वाह वाह, अगर इस संगमरमर की पुतली को कहीं जबान मिल जाती तो हम इस बुलबुल से जरूर पूछते कि बता तुझे पत्थर किसने बनाया। जलाल, ना जाने इस वीराने में मुझे मेरी माँ क्यों याद आ रही है। मैं तुझे बजा मंदिर में ला, इसके बजाने से मेरी माँ थोड़ी मिल जाएगी। अच्छा, तो अपनी माँ का तसव्वुर कर, मैं बजाता हूँ। कुछ भी कहा न जाए।
से कुछ भी कहा न जाए। जानता तो नहीं लेकिन समझ सकता हूँ। हुस्न जब मेहरबान होता है तो नचाने के बजाय खुद नाचने लगता है। इसका मतलब है हुस्न फतेह पा गया। लेकिन इस जुए में जो जीतता है वही हारता है। मैं तो रूह तक हार चुकी हूँ। मेरी दिली आरज़ू यही है कि मैं जिंदगी भर के लिए आपकी कनीज हो जाऊँ। और मेरी क्या आरजू है जानती हो? क्या? शहजादी शहरजाद और आबेहत को हासिल करना। वो दोनों तो मेरे भाई सामरी जादूगर के कब्जे में हैं और उनका हासिल करना मौत को दावत देना है। अगर आपकी नजरे करम हो जाए तो मुश्किल आसान हो सकती है। आदमजाद और परिसा, हमारे हर में खास में आने का मकसद? आने का मकसद मेरी आंखों ने देखा। अगर सामरी देख ले कि उसकी बहन सबस्परी का सर किसी आदमजात के सीने पे रखा है तो खड़ी खड़ी को जला दी। हम पूछते हैं तुम किसकी इजाजत से यहाँ आई हो? मैं अपने मुजरिम की तलाश में आई हूँ। मुजरिम? कौन मुजरिम? मैं। जब इसने मटक कर लचक कर कई डोरे डाले, कई जाल बिछाया, मुर्गा फिर भी नहीं फंसा तो कहने लगी अंगूर खट्टे। ओ तो ये आपसे मोहब्बत की भीख ही मांग चुकी है। और जिससे तुम मोहब्बत की भीख मांग रही हो वो खुद एक भिखारी आवारा और चोरी की गरज से यहाँ आया। अगर कुछ भी गलत है तो सामने आकर बात कर। औरत को ढाल बनाकर बात करने वाले मैं तेरी चूड़ियां तोड़ दूंगा।